बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझ लो। देखो, आपने इंटर स्कूल कंपटीशन सुना है, उसमें क्या होता है, अलग अलग स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, उसको क्या बोलते हो, इंटर स्कूल कंपटीशन। वैसे यहाँ पे होगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइन होंगे, उनको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनने वाले मॉलिक्यूल बोलेंगे, और उनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। और बात करें दूसरी टाइप की, इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो देखो, आपने इंटर स्कूल कंपटीशन सुना है, जब क्या होता है किसी पार्टिकुलर स्कूल के बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल। मतलब क्या, सिर्फ एक स्कूल के अंदर वो कंपटीशन होता है। उसी प्रकार यहाँ पे होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे, और ऐसे बॉन्डिंग से बनने वाले को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंपाउंड के अंदर बने हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा आटम, बोल दो नहीं आटम, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जब क्या करेंगे, एक दूसरे से ज्वाइन होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, तो एक बड़े से मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वाटर, ठीक है। और वाटर क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से यहाँ पे क्या होगा, ऐसे दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, ठीक है। और इस ऑक्सीजन से क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और इस हाइड्रोजन से भी क्या, एक दूसरा कोई ऑक्सीजन क्या होगा, सॉरी, दूसरा कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, ठीक है। और इस ऑक्सीजन से एक दूसरा हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन, फिर क्या होगा, ये चैन ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो फिर एक एक और ये हाइड्रोजन दूसरे किसी ऑक्सीजन से, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। देखो यार, हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो ये स्ट्रेट बॉन्ड बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो डैशेस से बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हमने पिछली क्लास में बात की थी, ठीक है। तो देखो, ये क्या होगा, दूसरे ऑक्सीजन से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेगा, और इस ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे, और फिर ये चैन क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। वैसे यहाँ पे नीचे भी होगा, ऐसे ये चैन आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो, ये क्या करेगा, ये बड़े से मॉलिक्यूल का, और ये पीछे भी ऐसे पीछे भी बॉन्ड बना सकता है, ये बड़े से एक पॉलीमरिक फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जिससे क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही लंबी चेन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर आपका क्या, लिक्विड और सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है। देखो, जब ये चेन छोटा होगा तो वाटर कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में, और जब ये चेन बड़ा होता जाएगा तो कोई ऐसा कंडीशन आएगा, ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे क्या, वाटर क्या होगा, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। देखो, H2S और H2O दोनों क्या होते हैं, देखो H2O और H2S की बात करें तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है। आप सभी से एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया होगा कि वाटर क्यों गैस होता है, सॉरी, वाटर क्यों लिक्विड होता है, सॉरी, हाँ सही सही, वाटर क्यों लिक्विड होता है और H2S क्यों गैस होता है। तो इसका सिंपल सा रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर आपका लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है, और इसकी बात करें H2S की, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा था पिछले क्लास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ लगता है, सिर्फ और सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच। जब क्या हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और हाइड्रोजन हो, तब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। सल्फर के केस में उतना इफेक्टिवली लगता ही नहीं है, या लगता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। देखो, अगर वाटर आपका गैस के फॉर्म में पाया जाता तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ता, हम तो सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता कि हम क्या करते, कुछ भी पी नहीं सकते थे। H2S क्या है, गैस है, इसको हम पी नहीं सकते, और हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए, मतलब हमारे जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, इसको लिक्विड स्टेट में रहना जरूरी है, और वो लिक्विड स्टेट में कैसे रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसलिए जो आपका इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारे सस्टेनेबिलिटी, मतलब रहने, क्या बोलते हैं, जीवित रहने में भी बहुत योगदान देता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करो, एल्कोहल है, ठीक है, तो इसको नोट करो, रब कर दे पहले, तो बात करते हैं, हो गया, चलो, तो बात करते हैं एल्कोहल में। उसमें भी क्या होता है, एल्कोहल मतलब क्या, आर ओ एच, ठीक है, आर ओ एच,
आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन से क्या होगा, दूसरा कोई एक हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन से क्या होगा, एक ऑक्सीजन अटैच होगा, और इस ऑक्सीजन से एक आर ग्रुप अटैच होगा। ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है, फिर क्या होगा, इस ऑक्सीजन से कोई दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा, और उस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, और फिर क्या होगा, ये चेन ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो अल्कोहल के केस में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वाटर हो गया, अल्कोहल, ये सभी किसके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, अल्कोहल जब छोटा चैन होता है तो वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और जब इसका चैन बड़ा होने लगता है तो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज होने लगता है, ठीक है। ये बात हो गई पहले टाइप की, नोट करो। बात करते हैं और दूसरे टाइप की, मतलब क्या, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो उसके बारे में तो पहले ही बता दिया कि उसमें क्या होगा, किसी पर्टिकुलर आटम सॉरी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर भी बात चलेगी, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजाल्डिहाइड, इसमें क्या होता है, पहले ये क्या होता है, बेंजीन का रिंग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो मतलब इस पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा OH, और फिर क्या, ये नीचे यहाँ पे कार्बन, उससे जुड़ा डबल बॉन्ड O, और इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल के अंदर, कौन सा मॉलिक्यूल, ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजल्डिहाइड, बेंजल डी हाइड के अंदर ही HYDE अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर का कंपाउंड। इंट्रामोलिकुलर मतलब ये एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। चलो इनको नोट करो। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो हमारा पहला पॉइंट है जो हमने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इफ वाटर वुड हैव एग्जिस्टेड एज अ गैस लाइक H2S, जब क्या होता, अगर वाटर H2S की तरह गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, मतलब क्या, वाटर के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो वो क्या होता, गैस के फॉर्म में होता। इन दैट केस नो लाइफ वुड हैव पॉसिबल ऑन अर्थ, तब अर्थ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। फिर क्या, सेकेंड पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिविंग बॉडीज के अंदर क्या होता है, उनके बॉडीज के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। इट एग्जिस्ट इन वेरियस, ओहो वेट, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। इट एग्जिस्ट इन वेरियस टिश्यूज, स्किन, बोन्स, ब्लड, इटेसे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर, आप सभी को मालूम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, टिश्यू होगा, स्किन, बोन, ब्लड यही ना होगा, उन सब के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पता चलता है, ठीक है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, जो प्रोटीन होता है वो आप सभी को मालूम है, बायोलॉजी को स्टूडेंट होगे तो आपको और अच्छे से मालूम होगा, वैसे भी मैथ वाले तो जानते ही हो, नॉर्मली तो सभी जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, हमारी लाइफ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो दो पॉइंट नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखो यार, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपने इलास्टिसिटी टॉपिक पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और क्लास 11th में ये दो वर्ड हमेशा देखे होंगे, आपको इसका मतलब भी पता होगा। बात करते हैं उनके जो बायो से है, ठीक है। तो बस देखो, थोड़ा सा डीप वाला टॉपिक है ये, क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर आता है, आप बस थोड़ा सा ऊपर से नॉलेज ले लो कि होता क्या है, ठीक है। जैसे ये बॉडी लो, ठीक है, इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को यक्स बना दो, और इसको आप ऐसे करो या घुमा दो, जब हम किसी भी स्टेट में या मोशन ये करता रहे या रुका रहे, इसके दोनों पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस हमेशा यक्स है, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी, ठीक है। तो देखो, कोई भी बॉडी की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक होती है रिजिडिटी और एक होता है उसका टेंजाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बस इतना जानो कि हमने क्या किया, ये फिजिक्स के अंदर बहुत की बात की, उसके अंदर सॉलिड्स की बात होती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपके पास एग्जांपल मिलेगा, वो किसके अंदर मिलेगा, कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर, इनके अंदर ये जो रिजिडिटी और टेंजाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, ठीक है। और जो आपका जैसे ग्लू देखो, गोद देखो और हनी शहद देखो, उसके अंदर जो चिपचिपापन, गाढ़ापन होता है वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लो।